नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पर जंगे यूपी टेट एंड सी टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको टेट की और सी टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। इसमें जो बाकी शेष दिनों में होता है वो आपको बेसिक की क्लासेस दी जाती हैं। आज आपका संडे स्पेशल, जिसमें संडे में एक संडे के दिन आपको विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आपको विगत वर्षों के प्रश्न कराऊंगा। करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आपको संडे स्पेशल क्लास है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको संधि वाला चैप्टर पढ़ा दिया है और वर्णमाला से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस सेशन में कराए जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपर्युक्त, इसको क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस युक्त, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऊपर प्लस उक्त। ई और ऊ मिलके क्या बनाया है, इसमें ये वाला आ जाता है। तो ये कौन सी संधि है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, उपर्युक्त में कौन से संधि है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से आपको बता दिया गया है। अगला देखते हैं, चिन्मय, चित प्लस मय, ता जो है ये आपके ता था दा ना ती फिर चौथे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो चित्त प्लस चिन्मय का क्या हो जाता है? चिन्मय, ठीक, चिन्मय, चित्त प्लस मय, ठीक। अगला देखते हैं, अच्छे से बताया गया है आपको लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये ट्रिक से बताया गया है। जैसे ये पावक है, हमने बोला था या और वाह भाई भाई होते हैं अयाधि संधि में। अयाधि संधि में क्या होता है? आया या बीच में आता है और या अयाधि, या बीच में आता है और या और वाह भाई भाई होते हैं, ठीक। ये हमने बताया था, ये जिसमें या और वाह बीच में आ जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं अयाधि संधि की में के उदाहरण होते हैं। ऐसे इसमें देखिए, ये एग्जाम्पल पावक दे रखा है और वाह में जिसमें लगता है उसमें औ की मात्रा लगती है, और जिसमें या लगता है उसमें क्या लगता है? उसमें ए की मात्रा लगती है, ठीक। तो ये सब ट्रिक से बताया गया, आप पूरी वीडियो वो संधि वाले चैप्टर में देखिए। पावक का क्या होगा? पाव प्लस अक, क्या होगा? पाव प्लस अक पावक हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अध्यादेश, आधि प्लस आदेश, आधि प्लस आदेश क्या हो जाएगा? अध्यादेश। सदैव का क्या होगा? सदा प्लस एव, दीर्घ वृद्धि संधि का उदाहरण है, सदा प्लस एव, सदैव, जिसमें जिसमें अय की मात्रा या औ की मात्रा होती है वो क्या कौन से उदाहरण होते हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं ना, सदैव। रमेश का क्या होता है? रमा प्लस ईस, रमेश गुण संधि, आ प्लस ई मिलके क्या मिला रहे हैं? ए का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी, रमेश, रमा प्लस ईश, ठीक। गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, ठीक। वाग्दान का देखिए, ये गा है, गा, ये का वाला वर्ग तीसरे वर्ग इसमें चेंज होगा, ये नियम में पढ़ाया गया है आपने, का खा गा गा में चेंज हो जाता है जब क्या होता है? वाग्दान, वाक प्लस दान, ठीक। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें नियम दो ही नियम बताए गए हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पुरानी वीडियो जरूर देखिए, संधि वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया गया है आपके लिए। स्वागतम का क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम, स्वागतम। प्रत्येक का क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक। पवन, अयाध संधि, मैंने बताया अभी पवन जिसमें वा बीच में आ जाए या बीच में आ जाए वो क्या हो जाते हैं? अयाध संधि के उदाहरण, अयाध, ठीक। पवन, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। तो ये काय का उदाहरण है? ये काय का उदाहरण है भाई, यह है देख संधि का उदाहरण, ठीक है। रमेश का क्या होता है? गुड़, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, अभी आपने देखा, तो काय का उदाहरण है? गुड़ संधि का। व्याकरण क्या? व्याकरण यड़,
यण संधि का है वी प्लस आकरण यण संधि का, ठीक। इत्यादि का इति प्लस आदि, ई प्लस आ मिलके क्या बना रहा है, इत्यादि, इति प्लस आदि या बना रहा है इत्यादि, ठीक। इत्यादि हो गया भाई। अगला देखते हैं स्वल्प, यण संधि का उदाहरण है, स्वल्प काहे का उदाहरण है, यल्प यण संधि। अध्यादेश यण संधि का उदाहरण है, आदि प्लस आदेश अध्यादेश, अच्छे से बताया गया आपको। मनोरथ का क्या होता है, विसर्ग संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, मन प्लस रथ, मनोरथ हो जाएगा, ठीक। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जगदीश का क्या होगा, व्यंजन प्लस संधि का हो जाएगा, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश जगदीश। ता जो है दा में चेंज हो जाएगा, ता था दा में, पहला वर्ग जो पहला वर्ग होता है, पहला वर्ण वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। पहला वर्ण क्या होता है, ता है, तो वो ता था दा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब बताया गया है अच्छे से, तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखिए, सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। उच्चारण कौन सा है, व्यंजन से उत प्लस चारण, उत प्लस चारण हो जाएगा इसका, ठीक। ये सब भी व्यंजन संधि में बताया गया है। उज्ज्वल व्यंजन संधि, परोपकार गुड़ संधि, पर परोपकार क्या होगा, गुड़ पर प्लस उपकार, ठीक। आ और ऊ मिलके ऊ का निर्माण करते हैं परोपकार। मत्ता है कि जिसमें भाई डबल मात्रा आ जाते हैं, हम बता दिए वृद्धि संधि होती है, ठीक। अन्वय क्या होगा, अन्वय दियण संधि का उदाहरण है, ठीक। और कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, इंद्र कवींद्र हो जाएगा। ई और ई मिलके क्या काहे का निर्माण कर रहे हैं, बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा हमारा, ठीक। ये संधि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, तो ये कुड़ संधि का उदाहरण है। और मिलके क्या बना रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये सब गुड़ संधि में होता है, आपको पता होना चाहिए। जब समान स्वर एक स्वर के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसमें आ और वो बदल जाता है, तो वो गुड़ संधि का उदाहरण होता है। दुर्निवार विसर्ग संधि, दुह प्लस निवार हो जाएगा इसका, दुह प्लस निवार, दुह प्लस निवार, ठीक, तो दुर्निवार हो जाएगा। दुष्कर्म विसर्ग संधि का उदाहरण काय का है, दुष्कर्म विसर्ग संधि का, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। चयन अयाद संधि, इसमें भाई या बीच में आ गया, हम जान के अयाद संधि का उदाहरण है, ठीक। धर्मार्थ धर्म प्लस अर्थ दीर्घ संधि का उदाहरण, तो ये सब थे आपके उत्तरमाला है, देख लीजिए आप आराम से। ये क्वेश्चन दीर्घ ये संधि से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी बताया नहीं, लेकिन आज आपको संडे स्पेशल में बताने हैं क्वेश्चंस, तो ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए बताते हैं आपको, ठीक है। देखते हैं निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, या नहीं, छत्रंग्याश्र, हमने व्यंजन में बताया है छत्रंग्याश्र, कौन कौन से, छत्रंग्याश्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये वर्णमाला वाली क्लास में आपको बताया गया है। तो संयुक्त व्यंजन छत्रंग्याश्र होते हैं, तो इसमें या वाला जो होगा वो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, ठीक। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय कौन सा है, बहुव्रीहि समास है मृत्युंजय में, ठीक है। ये जब समास वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताए जाएंगे। इसका दिखा है मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह मृत्यु को जीत लिया, जिसने अर्थात शंकर, मृत्यु को किसने जीत लिया, शंकर भगवान, एक विशेष अर्थ लिया जा रहा है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, एक विशेष अर्थ लिया जाता है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक। मृत्युंजय मतलब क्या है, जिसने मृत्यु को जीत लिया अर्थात शंकर भगवान, तो वो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, ठीक। अगला देखते हैं अलंकार में उपसर्ग क्या है, अलंकार में उपसर्ग जो है अलम है, अलम अलम जो है अलंकार में उपसर्ग है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार में उपसर्ग क्या है, अलम। यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का पद परिचय लिखी दीजिए, बताइए सावर्णिक विशेषण, यह इसमें रेखांकित है,
पुस्तक विशेष, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है? संश्लेषण। विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है? संश्लेषण जो है विशेषण शब्द का विलोम होता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, या क्या उसे क्या कहते हैं? दंत। उसे क्या कहते हैं? दंत। ठीक, तो ता वर्ग वाले ता था दा धा ना, ये सब दंत व शब्द के उदाहरण है। के टी एम डू मैंने बता ही दिया है, के टी एम डू। के से कंठ, टी से तालव्य, माँ से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक, ता था दा ना, ता था दा धा, ए सॉरी ता था दा ना नहीं, कचट तप, कचट तप तप। तो के से कंठ होगा, टी से चा वाले वर्ग होगा, माँ से मूर्धन दा वाले होगा, डी से दंत वाले ता वाले वर्ग होंगे, ओ से ओष्ठ पा वाले वर्ग होंगे। ठीक है, तो ये थे, इसमें आपको अच्छे से बता दिया गया है। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से होता क्या होते हैं? दंत होते हैं। ठीक, ये हो गया। निम्न से ऊष्म व्यंजन क्या क्या होता है? ऊष्म व्यंजन मैंने हम आपको बताया, शा जिसमें गर्मी निकले मुँह से, शा सा तीनों प्रकार के शा और हा, ये हमारे कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम भाई क्या है? अत्यल्प, बहुत अधिक है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अत्यल्प। ऋतु का विलोम क्या है? अनरत। ऋतु का विलोम क्या है? अनरत। संकल्प शब्द में उत्सर्ग बताइए, सम। संकल्प शब्द में उत्सर्ग क्या होगा? सम जो है संकल्प शब्द में उपसर्ग होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा, या आपकी आपका चैप्टर अगला वाच्य ही स्टार्ट होगा, तो आपको अच्छे से वाच्य कन्वर्ट बताया जाएगा। इसमें भाववाच्य होगा, क्या होगा? भाववाच्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में भाववाच्य होगा। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जिससे वाक्य में क्या हो? क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक, अगला देख लेते हैं भाई। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? बी एंड सी, आंत्र अंत्र गलत, लुनाई लावड़ता क्या है? तो ये गलत है। लौंग का भाई लवंग होता है, सही है। आयसु का आदेश होता है। ठीक, लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? अशोक के फूल हजार हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रसंग रंजन भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, संस्कृत के चार उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण जी की नहीं है। स्कंदगुप्त क्या है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, शेष लेखक और उनकी रचना का युग नहीं है। सही है, ठीक है, तो आप समझ गए हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये जोड़ा सही नहीं है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, शेष कवि और उसकी रचना का युग नहीं। उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसकी रचना है। लेखक और उसकी कवि में कौन सा युग गलत है? बोलगा से गंगा राहुल शंकरतेन जी की, बिल्कुल सही। सूरज का सातवां गढ़ धर्मवीर भारती की है। अर्थ आर्यों का आदि डॉक्टर संपूर्णानंद की है। ठीक, दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल लिखा है, नहीं, दर्शन दिग्दर्शन राहुल शंकरतेन की कृति है, ना कि रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, विराम चिन्ह की तरफ से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें वह ईमानदार पश्चिमी कर्मठ और मधुभाषी है, ये बिल्कुल सही है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आज सभी कुछ था, ये भी सही था। हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है, क्योंकि हाँ मेरी तो कोई वाक्य नहीं हुआ। ठीक, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है। ठीक, तो तीसरा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये गलत है, ये विचार अशुद्ध है। ठीक, इसका शुद्ध क्या होगा? मेरा यही विचार, हाँ के बाद कॉमा लगेगा, मेरा यही विचार है। इसमें देखिए कॉमा नहीं लगा है, इसमें आपका कॉमा नहीं लगा है, हाँ के बाद कॉमा लगना चाहिए भाई, इसमें कोई विराम चिन्ह ही नहीं लगा, तो क्या कैसे सही हो जाएगा? अगला देखते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? डी, अधुनातन। अधुनातन इन सबसे
भिन्न है। चितरंजन, शाश्वत और सनातन तीनों एक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि अमरतन का अर्थ आधुनिक से है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहिणी जो है अशुद्ध है, गृहिणी शुद्ध है, विभीषण शुद्ध है, जगतगुरु ये भी अशुद्ध, ये भी शुद्ध है। विरहिणी जो है ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका क्या हो जाएगा? विराहरणी लिखा है इसमें, इसमें हा से पहले छोटी की मात्रा होगी तब जाके ये शुद्ध होगा। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? इसमें युग गलत युग्म बताना है आपको। साग सब्ज सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा का करना, ये गलत है हमारा। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट कर देना, ये सही है। मतलब ये कुछ लोकतियाँ या कह लें मुहावरे हैं। मट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। माई कलाल, साहसी व्यक्ति। ठीक, ये वाला हमारा इसमें गलत है। साग सब्जी दिखलाना, हरा भरा करना। ठीक, साग सब्जी दिखलाना सब मुहावरे का अर्थ है, लालच देकर बहकाना। ठीक, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुध दोहे। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार? इसमें अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, कौन कौन सा है। श्लेष और रूपक, श्लेष और रूपक नामक इसमें अलंकार है। ठीक, इसका स्पष्टीकरण भी आप देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में श्लेष एवं रूपक दोनों अलंकार है। इस दोहे में श्याम को दो अर्थ हैं। जो ये श्याम अंग आया है, मेरी बाधा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर शोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुध होए। ठीक, इसमें श्याम शब्द का दो अर्थ हैं। एक होता है प्रथम श्री कृष्ण, द्वितीय श्यामला। ठीक, दो अर्थ हो गए भाई श्याम के, अतः श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पे फिर श्लेष अलंकार होता है। इसमें रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कैसे है? आरती गांधी द्वारा संपादित पुस्तक चुनी हुई रचनाएं हैं में इसने दोहे का अंत्योक्त अलंकार बताया गया है। परीक्षा सतह इस प्रश्न उत्तर संशोधित उत्तर कुंज में सी एन डी माना है। सी एन डी मतलब श्लेष और रूपक दोनों होंगे अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में गौ के लिए शाला, गौ के लिए आ गया भाई संपदान तत्पुरुष होगा तो ये गौ के लिए शाला हो गई। ठीक, ऐसे देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति आ गई, तत्पुरुष संपदान तत्पुरुष होगा तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का उपयोग हुआ, किसके लिए? प्राक उपसर्ग होगा, प्राक। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास जो भाई है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा नए पत्ते, बेला अर्चना तथा आराध्य इत्यादि, ये काहे की रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। ठीक, तो ये जो जितनी भी रचनाओं वाला चैप्टर मैं अलग से आपको करवाऊँगा, जिसमें प्रत्येक कवि कवि या लेखक की, जैसे जैसे आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी रचनाएँ हैं वो एक एक साथ करवा दी जाएंगी, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी लेखक और उनकी रचनाएं हैं, जैसे आ गया रामधारी सिंह दिनकर, उतने इनसे रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको रचनाओं वाले चैप्टर में जरूर करवाया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, उसका सारा अच्छे से कवर कराया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बच्चे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास के बाद उसकी पीडीएफ डाली जाती है और ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, डाउनलोड करके आप अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहिष्कार का संधि विच्छेद अगला क्वेश्चन है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिप्लस्कार, बहिप्लस्कार, ये इसमें विसर्ग संधि होगी। बहिप्लस्कार इसमें जो होता है शाम में बदल जाता है, ये मैंने नियम में डिस्कस किया है। आप संधि वाला चैप्टर जरूर पढ़िए, उसमें अच्छे से बताया गया है विसर्ग संधि को। पांचों संधियां अच्छे से बताई गई, पांच मतलब 100 संधि के प्रकार पांच होते हैं, पांचों वो बताए गए हैं, प्लस
स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तीनों संधियाँ अच्छे से बताई गई हैं, तो आशा करता हूँ आपको सारे देखे होंगे। आप संधि वाला चैप्टर अच्छे से कवर किया गया है, अगला चैप्टर मैं वाच्य पढ़ाऊँगा वो भी अच्छे से कवर किया जाएगा। सारे कोर्स आप डेली क्लासेस चलेंगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? चौखे, चौपदे, रस, कलश, प्रेम, प्रपंच, करम, वीर, प्रेम, पुष्पहार, पदम, प्रसून, रहस्य, रसिक, रहस्य, प्रेमांब, प्रवाह इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? ये रामधारी सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। निम्न में सब पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन पहिया जो है पुल्लिंग होगा, बाकी जो शेष है लिखावट, मेरी लिखावट देखी है, देखी मेरी लिखावट देखी आ गया, इसमें समझ जाइए कि आप ये स्त्रीलिंग है, ठीक। पखावज, लिखावट और मझदार, ये कहा है स्त्रीलिंग। पहिया जो है, पहिया घूम रहा था, तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये क्या है? ये पुल्लिंग है, ठीक, शेष स्त्रीलिंग है। तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस, तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अच्छा लग रहा है। संडे स्पेशल हमारी सीरीज, एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और तो बताइए आपको अच्छा लग रहा है। आप बढ़िया फंडे को क्वेश्चंस कीजिए, शेष दिन में जो सप्ताह के शेष दिन होते हैं उसमें आप बेसिक्स से सीखिए सब चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, तो चलिए अब बंद, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।